ज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज माई न्यू ऑल स्वेटर दिस इज माई फेवरेट और अभी हम करने जा रहे हैं मजदूरी और मेरे साथ मजदूर नंबर टू भी आने वाला है आई विल इंट्रोड्यूस हिम नॉन ईड फॉर एनी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ये हमारी काली है काली और ये हमारे कालू है कालू और अभी हम करने जा रहे हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी दादी जी भी आ रही हैं दादी जी से मैं आपको मिलवाती हूँ दादी दादी दूर से हेलो कर रही हैं आप देख नहीं सकते हो होम टूर मैंने नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा मैं किस एरिया में हूँ बट हम अपने छोटे से गार्डन में और हम जा रहे हैं अभी अदरक उखाड़ने जल्दी चल कि ये कुछ भी काम करने से पहले फ़ोन चलाता है फ़ोन चलाना ये शुभ मानता है मंदिर जाएगा तब फ़ोन चलाएगा कुछ खाएगा तब फोन चलाएगा अभी काम करने के लिए बोला गया तब भी फ़ोन चलाता है और ये हमारे यहाँ नींबू का वृक्ष नींबू का पेड़ है जिस जिसपे बारह महीने नींबू लगते हैं और इनकी बहुत डिमांड रहती है यू नो डिमांडिंग ट्री इज जवदर और हमारे पीछे हमारी सबसे पुरानी गाय है ये इसका दूध पीके हम बड़े हुए हैं और ये सोच रहा है कि कभी अपना ब्लॉग बंद करे और मैं करूँ कर शुरू मम्मी जी उस तरफ है इससे पहले मम्मी जी डांटे मैं काम में लगती हूँ तो देखिए काम शुरू हो गया है काऊ सी फॉर काऊ और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है बदले ही आ गए जमीन ते और देखो काम शुरू हो गया ये लड़का बहुत काम करता है और इसके लिए हम इसको पगार भी देते हैं अभी मैंने इसको एडवांस दिया है कितना पाँच सौ रुपया और देखिए ये कौन है ये है सिदाओ ये है राजपूत जैसे कि किसी को पता ना हो मम्मी जी भी यहीं कहीं आसपास है तो मैं ये क्लिप बंद कर देती हूँ तो अब मेरी माता श्री आ गई और भाई मेरा मुझे कुछ पूछ रहा है मैं भी आ गई और ये बाल्टी दे दी मम्मी ने इसमें मैं क्या डाल रही हूँ अदरक उखाड़ रहा है मेरा भाई देखो जोरों शोरों से और मैं उसको मतलब अलग करके उसका पार्टीशन करके मम्मी ने बोरी भी दे दी इनको लगता है देखो पहले तो मेरे कैमरा के आगे आ गई मैंने इनको साइड कर दिया फिर मम्मी और मैं लगे बिल्कुल स्पीड के साथ आप स्पीड देख सकते हो भाई इतनी नहीं थी मैंने यू you नो know, स्पीड ज़्यादा रखी है फिर हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे देखो 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 मतलब बाल्टी आज भर के ही छोड़नी है हमने मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप रहन दो हम कर लेंगे मैं जा रही हूँ देखो साइड में रखने फिर मम्मी कहाँ मानते हैं देखो घास भी उठा दिया मैंने यहाँ से फिर अभी तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी आप जाओ मैं कर ही लूँगी फिर मैंने मम्मी को भेज दिया जा नहीं रहे चले गए चले गए अभी कोई ना कोई काम तो मम्मी ने साइड में करना है कुछ ना कुछ काम में वो लगे रहते हैं मैंने ट्राई किया देखो 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 मैं भी उखाड़ रही हूँ और यहाँ बड़ा तेज़ लग रहा है अदरवाइज़ बहुत धीरे था और मेरा भाई बोल रहा तेरे से तो हो बैठा मुझे बहुत एडवाइस दे रहा है ऐसे कर वैसे कर आता है मुझे पुलिस में फटीक करवाई जाती है फटीक करते हैं हम भाई बट ज़्यादा नहीं हुआ यार मैं थक गई और फिर ऐसे ही मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ वॉक कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ देखो पेड़ हिला के देख रही हूँ उखाड़ना नहीं है यार वो कुछ कराना है यहाँ पर तो कटवाना है इसको भी नेक्स्ट क्लिप में आ रहा है ये तो लगा हुआ है देखो देखो मैं पीछे से सारा ऐसे लोग असिस्टेंट होता है ना टाइप एक मिस्त्री होता है मजदूर वैसे लगी हुई हूँ इसके साथ काम मैं पूरा करती हूँ कपड़े मैंने डबल डबल पहन रखे हैं इस टाइम सॉक्स प्रॉपर और टाइम ये कोई दस बज रहे थे लेकिन मैं इससे पहले मैंने एक और स्वेटर डाली हुई थी जो मैंने आपको पीछे दिखाई ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है यार मुझे किन बातों में डाल दिया मैंने चलो चलो उखाड़ो वो देखो राइट साइड में मेरी दादी वॉशरूम के पास घूम रही हैं एंड शी इज़ सर्चिंग फॉर आई डोंट नो मैं भी उनको वीडियो में ऐसे देख रही हूँ अभी उन्होंने बैठना है धूप में बैठना है मज़े से तो सब कुछ ये देखो ये मैं लाई टमाटर देखो फ्रेश फ्रॉम द फार्म ये आप देख लो छोटे छोड़ छोटे टमाटर थे हमारे घर पे लगे हुए थे तो अभी सब कुछ उखाड़ना है तो उनको साइड में रख लिया उनको बाद में अलग करेंगे फिलहाल के लिए मैं तो घास ही उखाड़ जा रही हूँ ना यार देखो बाल्टी में ये मुझे बार बार ही ऑर्डर किए जा रहा है तो उठा क्यों नहीं रही है अदरक मतलब मुझे पूरा असिस्टेंट समझता है ये लड़का मम्मी कुछ सलाह दे के हमें चले गए साइड में कुछ काम करने के लिए एंड हमारे गाय वो भी बेचारी देख रही है आज क्या चल रहा है देखो टमाटर और आ गए एंड मैं इसको सलाह दिए जा रही हूँ और ये बहस करने के बाद बोल रहा है तो चुप रहे हैं हाँ ऐसा ही हो रहा फॉर श्योर ऐसा ही हो रहा था और हाँ वही चल रहा है मैं बकेट में डाल रही हूँ अदरक घास उखाड़ा देन पीछे उसकी स्पीड देखो मैं एक्चुअली लेफ्ट साइड में एक जगह पे है जहाँ मैं बार बार उसको मैं गाय के पास गई वो मुझे मारने लगी और मैं वापिस आ गई एक्चुअली डैडी की बहुत फेवरेट गाय है ये हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये देखो मैं इस तरफ का बोल रही थी उखाड़न यस मैंने वहाँ से उखाड़ भी दिया और फिर इसने बोला बड़ी सुरमी तू कि अच्छा था बट पता नहीं क्यों खुद ही फाइनल टच देगा इसको मेरे पे विश्वास तो है नहीं फिर मेरा काम तो वही है सलाह देना मैं कुछ हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है नेक्स्ट क्लिप में तुम सुन लोगे कि हम क्या प्लान कर रहे हैं कुछ हमारी ज़मीन के बारे में आई थिंक अभी ऑलमोस्ट अदरक हमने उखाड़ ही लिया था तो बाय और ये सारी जगह हमने उखाड़ दी और आपने देखा यह कि हम क्या कर रहे थे तो ये था वो सारा अदरक ये इतना सा नहीं है देखो ये बकेट इतनी बड़ी है इसमें पूरे अदरक ही अदरक है अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और होम टूर तो मैं नहीं दे रही हूँ अभी हमारे नए नए पेंट मौसम बहुत अच्छा है आज बहुत ज़्यादा अच्छा मेरी कौ भी देख रही है ये क्या कर रही हूँ दीदी ब्लॉग बना रही है बेटा जी मजदूर जी हमारे मुंह में मत मार देना खाना खाया है आपने रोटी पानी हो या कुछ <laughs> देखो भूखे पेट तभी जोर नहीं लग रहा है कुछ गहराई से नहीं किया जा रहा है काम और अगर आप ध्यान से सुनो अपने हेडफोन्स में तो आपको अभी एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी पहाड़ी गानों की तो ये हमारे यहाँ पे सब्जी की बैन आती है एवरी वीक एवरी वीक वीकली कितने डफर होगी गई मैं तो ये देखिए ये ऐसे गाने बजाते हुए हमारे घर के पास रुक जाएंगे ताकि आसपास के तीन घर यहाँ हैं पांच चार पांच घर उधर हैं वहाँ से बहुत आगे जाके जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो हम ताई के घर पे गए थे एक्चुअली हमने करना क्या है कि हमने जे की खुदाई करवानी है एंड दिस इज़ नॉट अ जोक ये सारी जगह हमने बराबर करवानी है बिल्कुल विच इज़ लाइक यहाँ से एंड ये सारी भी तभी हम इस काम में लगे थे बहुत आगे तक लास्ट में एक हमारी गाय है वो देखो डैडी उसको पानी पिला रहे हैं वहाँ तक सो दैट्स वाई हमें एकदम से बोला गया था कि क्या बोला गया था कैमरा सीधा कर लेते तो हमारे पड़ोस में कहीं नीचे जे आई थी उन्होंने बोला था कि मेरे भाई के फ्रेंड ने बताया था कि अगर तुमने काम करवाना है तो तुम बुला सकते हो बट तो पापा वहाँ पे गए पापा नहीं गए डैडी बोलती हूँ डैडी वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि उसमें तेल नहीं है तो हम इतनी जल्दी जल्दी में लगे आप फिर यहाँ देख सकते हो मिट्टी की खुशबू प्रॉपर आ रही है तो मेरा फेस इतना ऑयली लग रहा है क्योंकि मैंने ऑयलिंग की हुई है तो हाँ हमारा काम चौपट हो गया बट हाँ 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 क्या करती हूँ मैं नेक्स्ट जब भी आएगी जैसी भी तो सारी खुदाई हो जाएगी अभी के लिए बाय देखती हूँ नेक्स्ट में क्या करती हूँ काम बहुत ज़्यादा है सो so, चिल्ड्रेन तो भी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पेंट का काम का जस्ट ख़त्म हुआ है और ये सब ने हमने क्लोज करना है नहीं दादी पीछे चला है पीछे बैठना चे? हाँ कम हेर आ जाओ हमारी प्यारी दादी <laughs> आ, दाद चला दादी जी तो देखो हमारे घर की महारानी बैठ गई है प्रॉपर की मेरी सेवा की जाए एंड आई लव टू डू एवरी डे एवरी डे तो नहीं हो पाता कभी कभी मैं इनकी ऑयलिंग करती हूँ कंगी करती हूँ मेरी दादी के बाल अभी बहुत छोटे छोटे से रह गए हैं पहले थोड़े लंबे थे बट अभी आ, फिर दादी को मैं ऑयलिंग कर रही हूँ साथ में एंड दादी इज लाइक कि तुझे <laughs> तुझे बहुत काम है करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल और तेल की बॉटल तो आपने देख ही ली है माजा का छोटा सा ये बिल्कुल छोटा पैक है ये उसमें मेरी मम्मी ने तेल डाल दिया है जैसे कि तेल डालने के लिए घर पे डब्बे नहीं है और दादी की मैं ऑर्डिंग कर रही हूँ एंड शीज़ लाइक वो बातें कर रहे हैं मेरे साथ कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम नहीं लिटरली वो ऐसा ही कह रहे थे और ये साइड में एक फूल दिख रहा है आपको इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगे हुए हैं उसके लिए मैंने एक रील सोच के रखी है तो मैं कभी मुझे टाइम लगा तो मैं बनाऊंगी एंड uh, इसके पीछे का इसके पीछे का जो एरिया है ना मैं कह रही थी कि कभी यार होम टूर दूंगी अभी आजकल तो टाइम नहीं है अभी बहुत मैसी सा चल रहा है एनीवे anyway, मैं दादी की चंपी कर रही हूँ प्रॉपर मम्मा गुजर गए मतलब कैमरा के आगे से गुजरना है ब्लॉगर इन द हाउस उसके लिए मैं इनसे सुनती रहती हूँ कुछ ना कुछ मजाक में बोलते हैं वैसे जब मेरे ब्लॉग देखते हैं तब बड़े खुश होते हैं मम्मी तो बड़े मम्मी ने बड़े कम देखे होंगे मेरे बुआ देखते हैं मेरे अंकल देखते हैं और वो बहुत बहुत बहुत, बहुत खुश होते हैं तो आई लव टू डू ब्लॉगिंग एक्चुअली चलो ब्लॉगिंग का बताने लग गई दादी की चंपी हो रही है प्रॉपर आप देख सकते हैं उनकी पोती उनकी सेवा कर रही है प्रॉपर मैं ऐसे उनको लाइक like, मैं पार्लर वाली फीलिंग ले रही थी फिर दादी कह रहे हैं अभी मेरी चोटी बना दे तू अभी बहुत हो गया फिर दादी को मैं पूछ रही थी दादी कौन सा रबर बैंड लगाना है एक रेड है एक वाइट है दादी कह रही सुइयाँ भी लगा दे मुझे साथ में फिर देखो जी अभी हेयर स्टाइल चल रहा है मम्मी कुछ पीछे से बोल रहे हैं मैं दादी को बोल रही दादी अपना ऐसे गर्दन सही रखो ना वो डैडी गए दौड़ दौड़ के पीछे से वो देखो वो देखो इधर थोड़ा आगे जाके हमारा खेत है डैडी ने गोबर वहाँ पे गाय का फेंकना है इतना भी दूर नहीं है पास में है मैंने चुटिया बना दी दादी की छोटी सी चुटिया और ये मेरे भाई का फ़ोन आ गया कुछ भी इनको लाइक like, इनको दादी की लोकेशन पूछनी थी मेरा कज़न ब्रदर वॉज़ कॉलिंग दैट वेयर शी एंड आई सेड कि वो यहाँ पे हैं और अभी उसने मुझे बोला कि दादी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैंने बोला नो no प्रॉब्लम दादी हमारे घर पे कर लेंगे दादी एक्चुअली चाचू के साथ रहती हैं मतलब दिन में हमारे पास बराबर आती हैं बट सोना उनको वही है पुराने घर में रहते हैं चाचू तो अभी दादी को मैं पिन्स बिल्कुल सेट कर रही हूँ ब्यूटी पार्लर बड़ी आई हूँ मैं एंड मेरी uh, तो दादी बोल रही दादी बाय कर दो दादी ने बाय कर दी दादी अमन 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 ने आना है अमन ने आना पहले हां जी ठीक है भैया का लोड अब ये आना लोड़ी है लोड गए हां जी अच्छा एक हफ्ते बाद कल उनी भू मु रह रहे ना हां बड्डे हां जी बड्डे आई रहे ना हैं लिया लिया सबड़का वहां पाई भी भी करने। <laughs> फुल सेवा वी वी फुल सेवा। ये हमारे घर के आसपास के पेड़ हैं पीछे के एरिया को आप इग्नोर कीजिए वहा वो गाय का एरिया है पीछे उससे उस तरफ मम्मी सबसे ज़्यादा चिंता है मम्मी पापा को बुला रहे हैं दादी डैडी को बोल रहे हैं दैट वेयर इज योर हस्बैंड बुलो 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 क्या ब्लॉग 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 क्या ब्लॉग ब्लॉग ये माई गॉड सी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गर्ल बेटा थोड़े पीछे खड़े हो जाओ उस एंगल में लेती हूँ आपको आप कहाँ जा रहे हो इतने ड्रेस ऐसी फूके ओके बर्थडे में ओके लुकिंग ब्यूटीफुल हाँ बहुत अच्छी है Thank you. आशी का हर हाँ ब्लॉग में आना मतलब कम्पल्सरी से बाय फ्रोम साइड सो माई नेक्स्ट टारगेट इज दिस मेरे यहाँ की सफाई करनी है ये इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ फाइनली आज मैं कर देती हूँ ये लाइट सुबह से जगमग कर रही है तो चलो मैं सफ़ाई में डट गई हूँ और आशी को मैंने सबसे पहले प्रसाद दे दिया और मैंने बोला अभी तू यहाँ से भाग मुझे काम करने दे कान हूँ मेरा प्यारा कान हूँ आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा है वन बाय वन मैंने सारा सामान निकाल के वहाँ से सारी फ़ोटोज़ भगवान जी की बेड पे रख दी हैं और ये कोई कुछ कार्ड था किसी का बीच में चलो छोड़ो खैर मैं सारी चीज़ें वन बाय वन रख रही हूँ और बाहर से मुझे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं ये मेरा बेला भाई आ गया देखो साइड में खड़ा है मैंने इसको बोला काम कर इसने बोला नहीं मैंने बोला तो चले जा तो फिर सारी चीज़ें और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक सारे ही भगवान इम्पॉर्टेंट है बट ये इनके लिए ना अभी मैंने कुछ चुन्नी दिखाई तो इनकी चुन्नी चेंज करनी है जब भी सफाई होती है उसके बाद हम चेंज कर देते हैं तो ये कपड़ा मेरे को झाड़ने के लिए बाहर गई देन मैं एकदम से वापस नहीं आई फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था उसके बाद इन बिटवीन भी बहुत ज़्यादा सफ़ाई की फिर मैंने भगवान जी की मूर्ति को और यार इससे बड़ी मूर्ति कहीं मिलती है तो प्लीज़ मुझे डीएम करें और मुझे बाबा बालकनाथ जी की इससे बड़ी मूर्ति चाहिए तो प्लीज़ कहीं भी अवेलेबल होगी देन डीएम मी आई वांट ओके आप मामा की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना वो बोल रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ और तू ब्लॉगिंग कर रही है जबकि जब यहाँ जब के देखेंगे तब बोलेंगे वाह शाबाश बहुत अच्छा किया एनी वे शी इज़ माई मॉम एंड वो ऐसी रहे, रहेंगी और देखो बर्तनों की आवाज़ इतनी ज़्यादा मम्मी जानबूझ के कर रही है क्योंकि मम्मी को पता है मैं ब्लॉग बना रही हूँ और हाँ तो मैंने ये मंदिर सेट किया है और ये सभी पीछे से बोल रहे क्या क्या क्या? ये सब मुझे बस चिडाने के लिए करते हैं कि बीच में हमने कुछ ना कुछ बोलना है और इसका फिर वॉइस ओवर करने पड़ जाए इसकी मेहनत बढ़ जाए तो एनी वे आई हैव नो प्रॉब्लम ऐसा रोज ही चलता है और हाँ मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ तब से मैं मंदिर में घुमाए जा रही हूँ ये जो कपड़ा है ये जो मैरी में गुरुद्वारा है मुझे वहाँ से मिला था तो हम इसको बिछाते हैं नीचे एंड यस yes, भगवान जी को आप सबके भी यही भगवान जी हैं मेरे भी ये मेरी दोस्त वृंदावन से लाई थी एंड ये गणेश जी मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं ऐसे करने में बचपन में बड़ा मज़ा आता था ये देखो आज भी बहुत मज़ा आता है और बाकी ये मैं काठगढ़ से लेके आई थी शिवलिंग ये मेरा भाई बाबा भारतनाथ से लेके आया था और हाँ ये नया दुपट्टा चुन्नी दे दिया है बाबा बारक जी को एंड दिस इज आवर छोटा सा टेंपल और ये कानू की एक्स्ट्रा पगड़ी है अभी कानू ने अभी उसने मुकुट लगाया है एंड ही स्लीपिंग तो हो गया मेरा ये काम इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करना है पूजा रूम में झाड़ू पोछा करना है बाकी जगह हो चुका है काम बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक अभी का इतना ही है सो मी गॉड ब्लेस यू ऑल पेंट किया जा रहा टेबल को एंड ये हमारे भैया है ये हमारी मक्की सूख रही और देखो ऊपर ही पाइप रख दिया दादी स्टिल वॉकिंग स्टिल वॉकिंग विद द ब्यूटीफुल व्यू दादी जी दिखा दिखी लिया क्या काम होगा बट इस आदमी को कोई काम नहीं बस तैयार होके इसने इधर उधर घूमने जाना है बस वही काम है और ये रही इसकी बाइक तो दोस्तों हमारे घर का काम ऐसे ही चलता रहेगा सो so, मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ इट वॉज माई मिनी ब्लॉग अबाउट संडे जिसमें जिसमें जितना काम दिखाया जा रहा है उससे भी बहुत ज्यादा काम था बट स्टिल आई हैव टू से बाय बिकॉज अभी नया टॉपिक शुरू हो गया मेरे कजन का एग्जाम है ट्वेंटी फोर को एंड ही सेंगी मैं नहीं जाऊँगा पेपर देने

Going Mandy Laraya. Anyway, guys, bye, take care. Thanks for watching my blog. Thank you. <laughs>